हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करूंगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच 4 ऑफ पीएसएल 2021। ये वीडियो आपके खिदमत में पेश की जा रही है इनवरेक्स सोलर एनर्जी के तावन से। इनवरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। क्वेटा वर्सेस लाहौर, ये एक मतलब कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है। हमने पास में देखा है कि क्वेटा ने लाहौर को मतलब कि डोमिनेट किया है। 100 रन पे क्वेटा आउट हुआ है और उसने लाहौर को भी आउट किया है, उस मतलब डिफेंड किए हैं वो टोटल। तो ये मैच जो है ना, अब इस सीज़न में जिस तरह से ओपनिंग मैच खेला है क्वेटा ने और जिस तरह से लाहौर ने अपनी मैच खेला और जिस तरह से लाहौर की बॉलिंग दिख रही है कि आपने देखा कि दिलबर इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ किसी वजह से मैच नहीं खेल पाया, उन दोनों की जगह अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा दो लड़के आए। दोनों ने, अहमद दानियाल ने रन कंसीड किए लेकिन दोनों बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। सलमान मिर्ज़ा ने तो विकेट्स भी लिए नई बॉल के साथ। शाहीन तो है ही परफॉर्मर और विकेट टेकर, राशिद खान भी इनके पास मौजूद है। तो ये जो मैच है कराची क्वेटा वर्सेस लाहौर, ये मैच जो है ना क्वेटा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। पिछले मैच में जिस तरह क्वेटा हारा है तो उससे रिकवर करने के लिए भी इनको मतलब कि मेरे हिसाब से तो इन्हें दो चेंज सीधी सीधी क्वेटा को करनी चाहिए कि कैस अहमद की जगह डेलपोर्ट को डालें और साय मयूब की जगह आरिश अली खान को डालें। तो इनके पास ये होगा कि यार मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन अच्छा मिल जाएगा और एक स्पिनर इनका बढ़ जाएगा। अब जहाँ तक बात रही लाहौर कलंदर्स की, लाहौर कलंदर्स ने मेरे ख्याल में तो कोई चेंजेस उनको ज़रूरी नहीं है। कप्तान और फखर जमान ओपनिंग करेंगे। सलमान आगा पहले मैच में बहुत अच्छा लग रहा था, वो आउट हो गया, वो अनफॉर्चुनेट था। ये जो मैच है, ये मैच टॉस के ऊपर बहुत इन्हसार करेगा क्योंकि हमने देखा है कि क्वेटा वालों को चेस करना बहुत पसंद है। मतलब कि क्वेटा वाले मैक्सिमम मैचेस में चेस करते हैं और चेस करके जीतना उनको आसान लगता है। 180 रन भी उन्होंने चेस किए हैं और वो जीते हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है कि 5 ओवर में 70-80 रन भी चाहिए और वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये चीज़ एक बड़े मायने रखेगी कि भाई पहले टॉस कौन जीतता है और पहले बैटिंग कौन, बॉलिंग कौन करता है। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सरफराज को चाहिए कि भाई आप अपना गेम खेलो, आप किसी प्रेशर में किसी बात पे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है आपको। आप गुड इनफ बैट्समैन हो, आपने पीछे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हुआ है, बैट से भी, कीपिंग ग्लव से भी, कैप्टनसी में भी। आप अपना नंबर 4 ही रखो। साय मयूब को अगर खिलाना है, उस बच्चे को ओपनिंग करने दो, वो है ओपनर, तो जब उसको खिला रहे हो तो 2-3 मैचेस उसको उसकी जगह पे खिला दो और देख लो। आप अपने नंबर को, अपना 4 नंबर ही पक्का रखो। इस टीम को एक एंकर की ज़रूरत भी है 4 नंबर पे। गेल है, आज़म खान है, बीच में आप की बैटिंग करो ताकि आप टीम को ले कर चल सको और आपके भी बेस्ट पोजीशन नंबर 4 ही है। तो बेहतर ये होगा कि आप नंबर 4 पे ही बैटिंग करो। जहाँ तक बात रही लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर्स का वैसे मेरे हिसाब से तो कोई चेंजेस बनती नहीं है, लेकिन आकिब जावेद के मूड का कुछ पता नहीं होता। यहाँ मैं आकिब जावेद को एक क्रेडिट भी देना चाहूँगा। मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ आकिब जावेद को, लेकिन आकिब जावेद का ये एक मतलब कि क्रेडिट जाता है कि वो फास्ट बॉलर्स अच्छे ढूंढ के लाता है। आप कुछ भी कह लो लेकिन उसके PDP से जितने भी फास्ट बॉलर्स खेले, सलमान इरशाद के अलावा, जो कि बेसिकली एक कैंपेन थी कश्मीर बना कलंदर जिसकी वजह से वो खेल गया था, उसके अलावा तकरीबन फास्ट बॉलर जितने भी खेले हैं सब अच्छे फास्ट बॉलर्स खेले हैं। ऐसा नहीं है कि वो फास्ट बॉलर्स मतलब आके बिल्कुल ही वेवर्ड हैं या ऐसे ही रन खाए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है आकिब जावेद की। उम्मीद मेरी यही है कि ये सेम 11 खिलाएंगे, प्लेइंग 11, और क्वेटा वाले 2 चेंजेस करेंगे। कैस अहमद की जगह पर ये, क्योंकि डेल स्टेन है नहीं, डेल स्टेन 22 फेब को वापस आ रहा, मतलब पाकिस्तान आ रहा है, 3 दिन का क्वारंटाइन है, तो वो 25 या 26 के मैच में वो अवेलेबल होगा, उससे पहले वो अवेलेबल है नहीं। और क्वेटा वाले को जलमी वाले तो है नहीं कि वो अपना प्रेशर डाल के बायकॉट की धमकी दे के अपने प्लेयर को बाहर क्वारंटाइन के खिला लें। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि डेलपोर्ट को ये लोग इन करेंगे। अब वो किस तरह करें, सायम को खिलाएं, सायम को ना खिलाएं, क्योंकि डेलपोर्ट एक ऐसा बैट्समैन है जो कि ओपन भी कर सकता है। तो आप सरफराज खुद ही 4 पे एडजस्ट हो जाएगा, डेलपोर्ट ओपनर आ जाएगा, वहाँ पे ही आरिश को खिला सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इन्होंने जो दोनों इमर्जिंग पिक किए हैं वो ऐसे पिक कर लिए हैं कि मतलब नवाज़ ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि इनका रेगुलर खेलता है, अब आप आरिश को खिलाओगे तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे। साय मयूब एक इनका ओपनिंग बैट्समैन है जो कि 18 साल का है, पाकिस्तानी बैट्समैन, हमने देखा ही है कि इमर्जिंग के कोई ख़ास होते नहीं है। क्वेटा वाले ज़रूर नए प्लेयरों को, बैट्समैनों को चांस
देते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि साइन पे कितना भरोसा करते हैं ये लोग। मेरे हिसाब से जो ये लाहौर वर्सेस क्वेटा का मैच है, इसमें मुझे क्वेटा कमबैक करती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, वो इस क्वेटा की बैटिंग को ज़्यादा चलने देगी नहीं। अगर क्रिस गेल या आज़म खान में से किसी एक का बल्ला चल गया तो ही कोई चांस है, वरना मुझे लगता नहीं है कि इस मैच में कोई चांस है। लाहौर अभी काफ़ी स्ट्रांग टीम नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ ये वीडियो के इस्तेमाल पे पहुंची, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मेरा साथ देते रहें। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।